देखें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है सेक्शन 18 के तहत, जो चेयरमैन हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के, वो डिफाइन कर सकते हैं कि भाई किसकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ होगी। तो उन्होंने इस नोटिफिकेशन में हमारी स्टेट है, पंजाब है, हमारी स्टेट अब तो कह नहीं सकते, हमारी यूनियन टेरिटरी जेके की, लद्दाख की, पंजाब स्टेट, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, इनको सारा कंपाइल करके इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली रखा गया है। अब मुखसरन बात ये है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1985 में ये बनाया गया आर्टिकल 323 में अमेंडमेंट करके, और इसकी जो रिस्ट्रिक्शन जो है, इसका डिस्प्यूट रेज हुआ जब ये बनी, तो हमारी फुल बेंच का एक फैसला आया जिसमें ये कहा गया कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक्सटेंड नहीं करती है स्टेट ऑफ जेएनके में, और कोई भी सर्विस मैटर जो है वो हाई कोर्ट में आ सकते हैं। इस बात पर डिस्प्यूट चलता रहा, फिर एक एल चंद्रा यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ, उसमें भी उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स को इरेलेवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आपको ट्रिब्यूनल में जाना होगा। अब बेसिक प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अगर तो हमारी स्टेट का हमारा दर्जा होता या हम स्टेट होते, तो एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी हो सकता था, तो उसमें हमें चंडीगढ़ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब क्वेश्चन ये है कि अब जो हमारे आज जो इस नोटिफिकेशन के तहत, क्या वो लद्दाख का कोई सर्विस मैटर है, क्या वो कश्मीर का, दोनों विंग हमारे, जम्मू विंग हाई कोर्ट का या श्रीनगर विंग हाई कोर्ट का, जो भी इनके मैटर्स हैं, अब इन मैटर्स की सुनवाई जो है वो चंडीगढ़ में होगी। हमें इस बात का अफसोस है कि कुछ एक इकदाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए, हालांकि बहुत सारे लोगों ने, जितने भी नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने इस बात को वेलकम किया कि भाई चूँकि स्टेट होने के नाते सबसे ज़्यादा जो इसके बारे में कोई शोर शराबा था, या स्टेट के जो क्रेडेंशियल्स थे वो सेंटर से दूर होने के, वो कश्मीर प्रोविंस में थे। जम्मू में तो कोई आदमी नेशन के खिलाफ बात नहीं करता था। तो हमने किस किन हालात में ये स्टेट बनी, ये बड़ी लंबी बात है, लेकिन हमने स्टेट बनाने में हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही, जो हमारे डोगरा रूरल थे उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही, और उन्होंने हमेशा, जब हम एक स्टेट यूनिट था हमारा, तो उनका ये मानना था कि उनका धर्म जो है वो है जस्टिस। उनका रिलीजन कोई हिंदू या मुसलमान नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से बाई एंड बाई 47 के बाद एक ऐसे हालात बन गए कि कुछ लोगों ने इसका जो स्टेट का एक पर्टिकुलर रिलीजन से नाता जोड़ने की कोशिश की। उन हालात के पेश नज़र ये हमें भी, जो हम जम्मू डोगरा वारियर जो थे, जिन्होंने इस स्टेट को तश्कील दी थी, जिन्होंने जम्मू से चल के कश्मीर को तो पैसों से ख़रीदा, लेकिन हमारे जोरावर सिंह हिस्ट्री में कोई भूल ही नहीं सकता है, जिन्होंने किश्तवाड़ से जाके, कहाँ तिब्बत के साथ जाके, चाइना के साथ जाके अपनी बाउंड्रीज बनाई। तो इस तरीके से हमने ये स्टेटहुड अचीव की थी, लेकिन बदकिस्मती ये है। अब सवाल ये बनता है कि जब तक ये हम जम्मू वाले लोग यूटी में हैं, तो यूटी में ये बातें होना लाजमन है, क्योंकि यूटी के जो लाज हैं वो ऐसा ही कहते हैं। तो अब सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो जेएनके में वकीलों को हुआ है। पहले रजिस्ट्रेशन हमारी चली गई और बहुत सारे केस चले गए, उससे पहले आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट बना, उसके तहत आर्मी के केस चले गए। अब ये जो कैट है, इसके तहत जो हमारे सर्विस मैटर हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के सर्विस मैटर थे वो तो ऑलरेडी चले गए थे, अब जो स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस मैटर्स हैं, चूँकि अब इनका दर्जा जो है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजम बन गए हैं। तो अब जब ये केस चले जाएंगे तो कहाँ एक छोटा मुलाजम अपना सीनियरिटी का डिस्प्यूट लेके, अपनी प्रमोशन का डिस्प्यूट लेके, अपना सस्पेंशन का डिस्प्यूट लेके वो यहाँ से वकील लेके चंडीगढ़ जाएगा, वहाँ उसको रखेगा और आने जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये बड़ी आने वाले वक्त में वकीलों के लिए तो मुश्किलात है ही हैं, लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है कि कहाँ एक किश्तवाड़ का इलाका देखें, वो वहाँ से उठ के वो लोग चंडीगढ़ में जाएंगे, लद्दाख से उठ के लोग चंडीगढ़ में जाएंगे, कश्मीर के कुपवाड़ा और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से जाएंगे, जम्मू से देखें पुंछ और रजौरी, ये जितने भी इलाके हैं। अब ये लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किलात पैदा करने वाली बात है। तो जब हमारी पीछे रजिस्ट्रेशन पर एजिटेशन हो रही थी तो हमारे बहुत सारे सीनियर वकीलों ने कमिटमेंट भी की थी कि अगर ऐसा हुआ तो वो कोई ना कोई इकदाम लेंगे और इस बात को इस तरीके से नहीं होने देंगे। अब देखते हैं, मैं तो चूँकि हमारे बड़े रिस्पांसिबल ऑफिस बीयरर्स हैं, सीनियर वकील हैं, मैं सभी को ये अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी इकट्ठे मिल के बैठें, सभी इकट्ठे मिल के बैठ के पहले तो गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश करें कि ऐसा ना किया जाए, फिर अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो फिर जो भी इकदाम लेने हैं वो इकट्ठे बैठ के फैसला करें और इसकी लड़ाई करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल का जो कल नोटिफिकेशन आया है जिसके तहत उन्होंने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर को कैट चंडीगढ़ के तहत जितने भी सर्विस मैटर्स हैं उनको डील करने के लिए कहा है, इसके मतलब मेरी यही राय है कि ये सबसे पहले तो जो हमारे जम्मू कश्मीर के 5 से लेकर 7 लाख तक जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ ये फैसला है, और सबसे इसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है ये उसके खिलाफ भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से 50,000 सर्विस मैटर्स का निकल जाना और वो कैट चंडीगढ़ में चले जाना, मुझे लगता है कि नॉट ओनली इट इज़ इनकन्वीनियंट टू द लिटिगेंट्स एंड इट हैज़ आल्सो एडवर्सली अफेक्टेड द लायर्स कम्युनिटी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे मुलाजमीन के जो सर्विस मैटर्स हैं लद्दाख के भी, कश्मीर से भी और जम्मू से भी, वो हाईकोर्ट सुना करती थी, लेकिन इस नोटिफिकेशन के तहत जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत है, अब तमाम ये जो मैटर्स हैं इनको चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाएगा और छोटे से छोटा मुलाजम और बड़े से बड़ा मुलाजम अगर उसका कोई भी सर्विस मैटर है आप वो हाई कोर्ट को रुजू नहीं कर पाएगा और उसको डायरेक्टली चंडीगढ़ जाना है। और जैसा कि आप बखूबी वाकिफ हैं कि हर एक आदमी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पंजाब में जाएगा, चंडीगढ़ में जाएगा और वहां के वकीलों को एंगेज करके अपनी सुनवाई करवाएगा। सरकार को चाहिए था कि जम्मू में या जम्मू कश्मीर में एक सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यहां पे बनता, से कहते हैं जो यहां जम्मू कश्मीर के अंदर ही इन तमाम सर्विस मैटर्स की सुनवाई करता, या यहीं पे जिसे कहते हैं एक बेंच कैट का जम्मू में होता और एक बेंच श्रीनगर में होता, तो उससे मुझे लगता है कि मुलाजमों को थोड़ी राहत मिलती और हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए भी ठीक होता। आप जैसा कि जानते हैं कि चंद माह पहले यहां से रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की पावर भी जो है वो रेवेन्यू को दे दी गई, उससे भी हमारे जो पब्लिक है उसको काफी जिसे कहते हैं दशकम पहुंचा, और उसके अलावा हमारे जो यंगस्टर्स थे उनकी भी लाइवलीहुड पे काफ़ी असर पड़ा। और ये जो अभी लेटेस्ट फैसला आया है जिससे कि तमाम सर्विस मैटर्स जम्मू कश्मीर से निकालकर चंडीगढ़ शिफ्ट किए गए हैं, मुझे लगता है कि इट हैज़ कम एज ए बिग ब्लो टू द लीगल फ्रेटर्निटी एज वेल एज द 5-6 लाख एम्प्लॉइज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सरकार को जिसे कहते हैं, जो कि कहती है कि हम लोगों का भला करते हैं, लोगों के भलाई के लिए हैं, तो मुझे मेरी यही गुजारिश है केंद्र सरकार से
क्योंकि वही इस टाइम एडमिनिस्टर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, कि वो प्रो पब्लिक जिसे कहते हैं फैसले लें और इस फैसले को रिवर्स करें और हमारी यूटी में ही जो है वो ट्राइब्यूनल का गठन करें, ताकि ये जो मुकदमे हैं ये वापस जम्मू कश्मीर में आए। और अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारी सर्विस क्लास को और खासकर वुकला की जमात को। यहाँ जो लिटिगेशन है वो बड़े छोटे स्तर पे है, टीचर की ट्रांसफर होगी, मास्टर की, लेक्चरर की, या उनके प्रमोशन के डिस्प्यूट्स हैं। यहाँ पे पेटेंट लिटिगेशन कंपनी की नहीं है, कॉपीराइट की नहीं है, बड़ी लिटिगेशन जिसको कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में, यहाँ यूनियन टेरिटरी में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेइंग कैपेसिटी भी बहुत कम है। और लोकल लेवल पे जो होता है, जब भी इनको कोई अग्रीव्ड होता है वो यहाँ पे लिटिगेशन करते हैं। और आज की डेट में तकरीबन 33,000 केसेस आर पेंडिंग। अब ये सारे के सारे केसेस जैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एक तो चंडीगढ़ जो बेंच है वो भी इसमें ओवरबर्डन हो जाएंगे। और जिस क्लाइंट ने अपने लॉयर को ऑलरेडी फेस पे की है, अब वो उसको हर डेट के ऊपर चंडीगढ़ लेके जाना, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसमें इनको चाहिए था, अगर नोटिफिकेशन निकालनी थी, अगर इन्होंने इसके पास ज्यूरिसडिक्शन देनी थी कैट के पास, तो उसका एक परमानेंट बेंच जम्मू में और एक श्रीनगर में होना चाहिए, ताकि लोगों को मॉनेटरी वाइज लॉस ना हो और उनका फेथ जो है जुडिशरी में वो भी रेस्टोर रहे। अदरवाइज यहां पे टोटल अनार्की होगी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेक नहीं होगा। क्योंकि अगर आज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ट्रांसफर का, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर वो ट्रांसफर हो जाता है, एक मास्टर जो है या एक लेक्चरर है, अगर उसको लिटिगेशन करनी पड़ेगी ट्रांसफर ऑर्डर को इलीगल है उसकी नजर में, तो चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। कम से कम अगर जम्मू से लेके लॉयर जाएगा तब भी उसका 3-4 लाख के करीब खर्चा आएगा और हर डेट पे जाना इम्पॉसिबल है। तो वो जो है वो 4 लाख या 3 लाख या 2 लाख खर्चने के बजाय इन्हीं गवर्नमेंट को कहेगा, अथॉरिटीज को कहेगा कि आप सब मेरे से लेन देन कीजिए जो लेना है, तो एक टोटल एनार्की हो जाएगी, लॉलेसनेस हो जाएगी यूनियन टेरिटरी में, और लोग क्योंकि पिसे हुए हैं इससे उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आई एम यूजिंग द वर्ड वर्स्ट वर्ड। सेकेंडली, मैं बड़ा हैरान हुआ हूं कि हमारे लॉर्ड चीफ जस्टिस यहां पे हैं, उन्होंने जस्टिस एट डोर स्टेप किया है कि आप किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप केस कर सकते हैं। उन्होंने एमएसक्यूरी अपॉइंट किए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किए हुए हैं, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपका केसेस प्लीड करते हैं। यहाँ जस्टिस एट डोर स्टेप किया, आपके डोर से ये जस्टिस को लेके चंडीगढ़ में कर रहे हैं। तो इसमें इमीडिएटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए और इस ऑर्डर को मॉडिफाई करके और उसमें ये तरमीम करें कि इसका परमानेंट एक बेंच जो है जम्मू में रखा जाएगा और एक कश्मीर में रखा जाएगा। आप इमेजिन कीजिए कि कश्मीर वाला या एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख वाला, उसको केस करने हैं और कितने किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे। ये टोटल फेलियर ऑफ सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में ये इन्होंने जो बीच में इंटरवीन किया है, ये लोगों को ये नहीं चाहते कि वो कोर्ट में आए। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि जितनी देर तक ये बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन परमानेंट बेंच जम्मू और कश्मीर में नहीं रखते, उतनी देर तक ये जितनी भी पेंडिंग लिटिगेशन है इट शुड रिमेन विद दी हाई कोर्ट, जैसे वो चल रहा था। हाई कोर्ट के पास जो पावर है वो रहनी चाहिए, मैं यही कहूंगा आपसे। मुझे लगता है कि ये शायद सफिशिएंट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि तकरीबन 40,000 के करीब केसेस हैं जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से शिफ्ट होंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। और अगर आप सर्किट बेंचेस को सोच रहे हो तो वो ग्रॉसली इनसफिशिएंट होंगे। अगर आप बाकी पूरे कंट्री में देखें तो तकरीबन 50,000 के करीब केसेस हैं जिनको कि 17 बेंचेस थ्रू आउट द कंट्री जो है वो डील करते हैं। और अगर ऑलमोस्ट उतने ही नंबर ऑफ केसेस जो हैं जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी से जा रहे हैं जिसको एक सर्किट बेंच डील करेगा, चाहे वो बेंचेस एक हो या दो हो, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे जो है वो कुछ ज़्यादा सिचुएशन जो है वो अच्छी होने वाली है। अभी मुझे तो लगता है कि अगर परमानेंट बेंचेस जो हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जम्मू कश्मीर में बना दिए जाएं, जिसको कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी जो है विद इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो,
looking to the large number of cases which are likely to be shifted, that should be the solution. यहाँ पे कम से कम चार या पांच benches जो हैं वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के यहाँ पे होने चाहिए, जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बीच में, जो यहाँ पे परमानेंटली स्टेशन हो, क्योंकि जम्मू में भी रेगुलर benches चाहिए, कश्मीर में भी रेगुलर benches चाहिए, लुकिंग टू द नंबर ऑफ द केसेस. अगर ये नहीं होगा और उनकी प्लेस ऑफ सिटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो, हमारी तो डिमांड है कि उसकी प्लेस ऑफ सिटिंग जो है वो हाईकोर्ट में ही होनी चाहिए, दोनों जगह जम्मू में और कश्मीर में भी, ताकि एडवोकेट्स के लिए भी और लिटिगेंट्स के लिए भी जो है फैसिलिटी रहेगी, उसके बगैर काफ़ी परेशानी आएगी. ये खाली एडवोकेट कम्युनिटी के लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है, बल्कि सर्विसेज में जो लोग, लाखों लोग जो सर्विसेज में काम करते हैं, गवर्नमेंट की सर्विसेज में, जो अब हाईकोर्ट की जगह जिनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास गई है, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम की बात होगी. अगर उनको लिटिगेशन करने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है, या रेगुलर बेंचेस जो है अगर अवेलेबल नहीं हो और रेमेडीज जो है वो टाइमली उनको अवेलेबल नहीं हो. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की जुरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर की चंडीगढ़ में शिफ्ट करना एक अनवेलकम स्टेप है. गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर की विशेष ज्योग्राफी और टोपोग्राफी देखते हुए जम्मू कश्मीर के लिए विशेष तौर पर एक CAT का गठन करना चाहिए था, एक बेंच का गठन करना चाहिए था जिसकी सीट जम्मू में होती. चंडीगढ़ जाके एक डिस्करेजमेंट इंट्रोड्यूस की है, ना केवल लिटिगेंट्स के लिए बल्कि एडवोकेट्स के लिए भी, कि इतने हजारों केसेस जो इस समय हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा और नए केसेस को वहां पे फाइल करने के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा. मुझे लगता है कि एक डिससर्विस की है सरकार ने, और सरकार को इस अपने फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए और एक नया बेंच कैट का जम्मू संभाग के लिए, जम्मू यूटी के लिए, जम्मू कश्मीर यूटी के लिए जम्मू में इंट्रोड्यूस करना चाहिए.